ऑक्सीजन देखना है, प्रेशर प्रोब होती है, सबके पास इस समय है। केवल एक चीज कहूंगा कि इसको लगाने के बाद इसको हार्ट के लेवल पे सपोर्ट करके हाथ हाथ हिलना नहीं चाहिए। 2-3 मिनट के लिए इसको रीडिंग करें, एकदम से लगाते ही लोग आएगी, तो खांसी की दर्द तो नहीं है, आपकी सांस तेज तो नहीं चल रही है, इन चीजों को मॉनिटर करें, कॉन्शियसनेस लेवल देखते रहें, और अगर डायरिया है यानी आप ऑक्सीजन चेक करते हैं तो अगर दाएं हाथ को यूज करते तो कई बार कुछ रीडिंग दिखा, बाएं हाथ से करते तो ये फर्क होता है क्या सर? नहीं जी, बिल्कुल फर्क नहीं होता। मैंने कहा कि वो लगाने का फर्क होता है। अगर आप एक तो अगर नेल पॉलिश है तो नेल पॉलिश हटा दे, उससे लो रीडिंग आती है, और नेल को थोड़ा क्लीन करके अगर आप लगाए 2-3 मिनट उसको स्टेबलाइज होने दीजिए, फिर वो रीडिंग आपकी आएगी जी। अब हम तीसरे एम की तरफ बढ़ते हैं सर। तीसरे एम पर आते हैं, वो है मेडिसिन। तो पहले ये है कि घर पे रह के जो हम कह रहे हैं होम आइसोलेशन, वो होम ट्रीटमेंट अंडर सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर। अभी नहीं कह रहा हूं कि आप दवाइयां खुद लें इस प्रोग्राम को सुन के, प्रोग्राम केवल आपको एक रफ गाइडेंस देने के लिए है। हमसे अहम बिंदु है आपको 101-102 बुखार रहेगा तो आप कितना भी कर लें आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है और कोई भी नाम की टैबलेट पैरासिटामोल की, उसको 6 घंटे पर नियमित रूप से लेते रहें। बहुत से लोग जब बुखार होगा तब लेंगे, उसमें वो 3-4 घंटे उनको फीवर है और वो एग्जॉस्ट होते हैं। अगर आपको 6-6 घंटे के बीच फीवर हो जा रहा है तो आप बीच में एडिशनल टैबलेट ले लें। फिर भी बुखार है तो ठंडे पानी की पट्टियां रखें, लेकिन बुखार ना होने दें। पंकज जी, और बहुत सारी मेडिसिन आजकल लिखी जा रही है, कि बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लिखी जा रही हैं, आइवरमेक्टिन है, सबका कोई भी रोल इसमें नहीं है। ये वायरल इंफेक्शन है, एंटीबायोटिक्स डे वन से देने का कोई बेनिफिट नहीं है। सर, फोर्थ पे आते हैं अब जल्दी से। जी फोर्थ एम सर, अब मील्स आपने उसके बाद स्टीरॉइड्स और ब्लड कृपया लोग अपने आप ना ले। नेबुलाइजर का प्रयोग कहूंगा कि अगर आपको अस्थमा है या कोई भी छाती की तो आप नेबुलाइजर में कोई स्टीरॉइड सॉल्यूशन डाल करके शुरू से ले लें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि लोग सीटी के लिए भाग रहे हैं पहले दिन, तीसरे दिन से। पंकज जी, सीटी स्कैन का जब कोई चेस्ट के सिम्टम नहीं है, कोई रोल नहीं है। अगर आपका ऑक्सीजन फॉल कर रहा है या छाती की कोई मेजर प्रॉब्लम दर्द वगैरह है, तब ही सीटी होना चाहिए, वरना रूटीन में सीटी करा के लोग परेशान हो रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज है कि आप जो सीटी सिवियरिटी स्कोर है वो काउंट कर करके परेशान हो रहे हैं कि सर कल मेरा इतना था, आज इतना हो गया। तो रोगी का ट्रीटमेंट होना है, ना कि सीटी का। अपनी ऑक्सीजन को मॉनिटर करें, सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऑक्सीजन को मॉनिटर करने का है। ब्लड टेस्ट होते हैं सीआर वगैरह, वो भी लोग लेफ्ट राइट सेंटर पहले दिन, पांचवें दिन करवा रहे हैं। पहले एक हफ्ते में अगर ऑक्सीजन ठीक है, सिर्फ बुखार है आपको, तो इन टेस्ट का कोई रोल नहीं। ये टेस्ट का रोल बाद में आता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका बहुत रोल है, और वो है चेस्ट फिजियोथेरेपी। कि आप पहले 5-7 दिन घर में हैं, बेड रेस्ट पे हैं, बुखार कंट्रोल कर रहे हैं, बैठे बैठे अगर आप चेस्ट का मूवमेंट करिए, कृपया आप बेड रिडन ना रहिए, हिलिए कमरे में, चेस्ट को मूव करिए थोड़ा आगे पीछे इस करें। और एक है डीप ब्रीदिंग एंड ब्रेथ होल्डिंग, बैठे बैठे मुंह खोल के इस तरह से जितना डीप ब्रेथ आप ले सकते हैं डीप ब्रेथ लीजिए, और अंदर खींच के रोक लीजिए। कितनी देर आप रोक सकते हैं रखिए, और जब आपसे ना रोका जाए तो निकाल दीजिए। देखिए ये ब्रेथ होल्डिंग टाइम आपका कितना है, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि मैं दिन भर में इसमें 3 उसी जो सुबह आपने किया 15 सेकेंड है, शाम तक आपने उसको 17, अगले दिन आपने उसको 20 कर दिया। धीरे धीरे अपना होल्डिंग टाइम बढ़ाते जाएंगे तो ये आपकी चेस्ट की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, और आगे अगर लंग इन्वॉल्वमेंट होगा तो ये आप लिमिट में रखेगा। नेक्स्ट चीज है जो सेल्फ प्रोनिंग, उस आपने ऑलरेडी कई बार ये वीडियो दिखाया हुआ है। अगर किसी कर रहे हैं वो अपना सेल्फ प्रोनिंग से थोड़ा बहुत फायदा 5-7% का ले सकते हैं, उनकी जरूरत है। जो चौथा एम है वो मील्स है। लोग अक्सर खाना पीना में हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है, हमें कार्बोहाइड्रेट मीठी चीजें चिकनाई वाली चीजें कम लेनी है, लेकिन प्रोटीन वाले फ्रेश फ्रूट्स कृपया मात्रा में खाएं। और जरूरी है कि हम 1-1 घंटे में धीरे कुछ कुछ अपने शरीर में पहुंचाते रहें। फूड्स अवॉइड करिए, स्मोकिंग बिल्कुल मत करिए, ड्रिंक अवॉइड करिए, ताजे फल
सेवन करिए और पानी और दूसरे तरल पदार्थ करीब करीब 2.5 लीटर प्रतिदिन जरूर लेते रहिए। पंकज जी, वहां एम है माइंडसेट। इस समय पूरे देश में पैनिक स्थिति है और पेशेंट भी अगर पैनिक की स्थिति में हो तो बॉडी के अंदर एड्रेनलिन और जो बाकी नेगेटिव हैं और हमें सीवियर डिजीज की तरफ ढकेलने का प्रोसेस करते हैं। तो ये जरूरी है कि हम एक सकारात्मक सोच रखें। ये कहना आसान है लेकिन आज की स्थिति में करना मुश्किल है। फिर मैं विनती करूंगा कि सकारात्मक सोच रखें, रिलैक्सेशन करें, थोड़ा योगा, म्यूजिक, पूजा पाठ, जिससे कि बॉडी हार्मोन्स है वो कम हो। याद रखिए कि 97% से ऊपर कोरोना के पेशेंट ठीक हो हैं और आप भी चांसेस हैं कि उसी में होंगे। अगर आप पैनिक्ड हैं तो आपको प्रॉब्लम ज्यादा होगी। और चौथा एम है मूवमेंट टू हॉस्पिटल। हम अस्पताल जाके कब सोचें? जब हमारा ऑक्सीजन 94 से कम होने लगा है, अगर हमें अत्यधिक सांसी है, हमारा सांस फूल रहा है और रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर है, अगर हमको बहुत सीवियर चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है, बुखार 103 104 नीचे किसी कीमत पे नहीं उतर रहा है या ऑल्टरेशन होने लगी है, तो ये हमारे रेड फ्लैग साइंस होते हैं जिनके होते होम आइसोलेशन को रोक हमें अस्पताल में जाना जरूरी होता है। पंकज जी, अरविंद, इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपने दी है, हम उम्मीद करते हैं कि इससे दर्शकों को बहुत सारे सवाल मेरे पास और थे। डॉक्टर अरविंद, मैं आपके हाथ में ऑक्सीमीटर देख रहा हूं, तो उसको लगाने की क्या सही विधि है? फर्स्ट फिंगर यूज करना है, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं? नेल अपवर्ड रहना चाहिए या नेल डाउन है, क्या जरा अगर ये आप बता दें तो? जी पंकज जी, करके आप देखेंगे कि इसमें एक साइड से लाइट, रेड लाइट शाइन करती है, तो जिधर रेड लाइट शाइन करती है वो साइड नाखून को जिधर से लाइट आ रही है उस साइड में डालें, उंगली को इसके अंदर पूरा डाल दें और डाल करके इसको छोड़ दें। और आइडियल चीज है, हिल रही होगा तो रीडिंग गलत आएगी। तो हम इसको स्टेबलाइज के, इसमें एक ग्राफ आता है, कुछ में वर्टिकल आता है, वेव फॉर्म आता है, 2-3 मिनट के लिए हम इसको छोड़, और जब वो ग्राफ या वेव फॉर्म एक है जो स्टेबल है, वो 100 मिनट पे चेंज नहीं होगी, वो करेक्ट रीडिंग है। इसको देखिए, इस समय 7 और 86 आ रही है, ये जो आ रही है स्टेबल रीडिंग है, तो इसको सही तरह से इस्तेमाल करना और इसको लगाइए, देख करके फिर इसको बंद कर दीजिए। ये एक इक्विपमेंट हो सकता है, इसको बंद कर दीजिए, 1-1 घंटे के बाद चेक करते रहे। एक और चीज है, 6 मिनट वॉक टेस्ट, कि आप इसको पहले चलिए और फिर आप अपने कमरे में 5-6 मिनट कमरे के अंदर वॉक करिए और वॉक के बाद इसको दोबारा लगा के देखिए। अगर 5-6 मिनट करने पर भी आपका सेचुरेशन वही रहता है जो पहले था, तो इसका मतलब आपके लंग्स बिल्कुल परफेक्ट हैं, अभी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ये बहुत बिंदु है, सारी चीज जो होगी वो होगी 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपका सेचुरेशन कम होना, यानी रेस्टिंग में नॉर्मल है लेकिन वॉक किया तो 3-4% का फॉल हो गया, ये पहला वार्निंग साइन होगा कि लंग्स के अंदर कुछ हो रहा है। दूसरा जो मैंने बताया, आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम अगर रोज आपका 3-4 सेकंड बढ़ता जा रहा होगा, और ब्रेथ होल्डिंग टाइम अगर रोज आपका 3-4 सेकंड बढ़ता जा रहा है तो आपके लंग्स ठीक है। आपने मान लीजिए 20 सेकंड 30 सेकंड हिट करा और 7वें 8वें दिन सडनली वो कम हो गया, आपसे ब्रेथ नहीं होल्ड की जा रही है, वो भी एक वार्निंग साइन है कि कुछ। तो ब्रेथ होल्डिंग टाइम, डॉक्टर अरविंद, ब्रेथ होल्डिंग क्या है ब्रेथ को, तो यानी वो फिर क्लैरिटी है उसमें कि कोई प्रॉब्लम लंग्स में? पंकज जी, अगर आपने 13 से ऊपर अपनी ब्रेथ होल्ड कर ली है तो कि अगर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होगी जिससे ऑक्सीजनेशन इफेक्ट होने जा रहा है, तो वो व्यक्ति किसी भी कीमत पर 30 सेकंड तक अपनी होल्डिंग टाइम अगर आपका बढ़ रहा है और आप रोज बेटर परफॉर्म कर रहे हैं पिछले के मुकाबले, तो ऑक्सीजनेशन आपका कम नहीं हो सकता। तो होल्डिंग टाइम को बढ़ाते रहना और 6 मिनट वॉक टेस्ट आपको पहला वार्निंग देंगे कि अंदर कुछ हो रहा है। डॉक्टर अरविंद, बड़ी बेसिक सी चीज आपसे पूछ लीजिए, मैं अपनी बात करूं, मैं दफ्तर आता हूं और फिर मैं जब दफ्तर से वापस पहुंचता हूं, एक आम आदमी को, यानी जब वो अपने ऑफिस एनवायरमेंट से वापस घर जाता है, गागल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, वार्म वाटर कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बार आप गर्म पानी पिए, क्या सिर्फ गर्म पानी पिए, और उसके अलावा क्लोव्स यानी जो लौंग है, क्या ये भी कुछ हद तक फायदा दे सकती है क्या? देखिए, जब हम घर में जाएंगे तो पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, अपने शूज को बाहर उतार दीजिए,
क्योंकि और खासकर से यूं के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मीडियम है जिस इंफेक्शन पहुंच सकता है आपके घर में। मैं घर में अपने बच्चे किसी को टच नहीं, मैं सीधा बाथरूम में जाऊंगा, अपने जो भी है उनको उतार करके उसको गर्म पानी में डाल दूंगा और पहले शॉवर लूंगा और पूरे अपने को अपने हाथ वॉश करके और तब मैं जो है वो फैमिली के साथ पहन के अपने हाथ वॉश करके और तब मैं जो है वो फैमिली के साथ मिक्स करूंगा। जो कॉफी वगैरह लगाना बिल्कुल अपने टाई है, स्टेथोस्कोप है, वॉच है, बेल्ट है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं कैरियर हो सकती हैं। इनको भी जितना ऑफिस में रखें घर ना ले जाएं उतना बेटर है, ले जाना है तो उसको कृपया सैनिटाइज कर लें। जहां तक लौंग का तो देखिए लौंग से कोई नुकसान नहीं हो सकता, कुछ लोग के साथ हल्दी का सेवन कर रहे हैं, कुछ लोग काढ़ा का सेवन कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं, गर्म पानी से गार्गल कर लीजिए, नुकसान नहीं होगा, इसमें दो तीन बार कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन स्टीम में आप ये ना सोचे कि स्टीम लेने से वायरस मर जाएगा, ये वायरस 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी जिंदा रहता है और 65 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर वाली स्टीम आप अंदर पहुंचा सकते, उससे लंग्स डैमेज हो जाएंगे। तो स्टीम हमारे लंग्स के अंदर जो बलगम होता है उसको लिक्विफाई करके डाल देती है और हमारे कंजेशन को कम करती है। लेकिन सोचें कि ये वायरस को मार देगी तो ऐसा नहीं है। उसके अलावा सर कुछ और चीजें हैं जैसे कि डेंजर साइंस जो है, काफी सारी बीमारियों के पता चलते हैं शरीर पर, किसी तरह कुछ डॉट्स आ जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये फलानी फलानी बीमारी हो सकती है। कोरोना का भी क्या कोई डेंजर साइन है क्या? देखो दो अभी मैंने जो मॉनिटरिंग में, तो पहली बात तो यंगली शाम तक फीवर सेटल हो जाना चाहिए। तो अगर आपका 8 दिन के बियॉन्ड भी हाई फीवर परसिस्ट कर रहा है मेरे हिसाब से एक डेंजरस साइन है। किसी भी स्टेज पे अगर आपका ऑक्सीजन कम होना शुरू हुआ, जो 6 मिनट वॉक टेस्ट पोस्ट वॉकिंग कम होगा या ब्रेथ होल्डिंग टाइम आपका जाएगा तो वो एक रेड फ्लैग। सर मेरे पास समय कम है, आपसे आखिर जानना चाहेंगे सर कुछ 30 सेकंड्स में आप बता दीजिए कोई पॉजिटिव बात है कि कुछ उम्मीद। पंकज जी इस समय पुरुष को अपने को दूसरे को भाई बहन समझ करके, अगर मेरे पास है आपको जरूरत है मैंने आपसे शेयर किया, आपके सिलेंडर है मुझे दिक्कत है आपने मुझसे शेयर किया, अब 135 करोड़ लोग मिल करके भाई बहन की तरह अगर इस तरह का मुकाबला करेंगे तो बहुत जल्दी हम इसके ऊपर आने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए, आपने जो जो बातें बताई होगा और उस पर अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Oh my God! आखिर क्या है वो फीचर?